बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 37। आवर टॉपिक इज द अब्राहम प्राइस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाई चाइल्ड रोड लाइक द विंड बैक टू स्कूल। व्हाई चाइल्ड आंधी की तरह, लाइक द विंड, आंधी की तरह तेज तेजी से चलता हुआ वो गया है अपने स्कूल की तरफ, वो वापस चल दिया। व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम, जब वो क्लासरूम में कमरा जमात में दाखिल हुआ। हिज टीचर वाज मार्किंग, उसका उस्ताद मार्किंग कर रहा था, नंबर लगा रहा था द एग्जाम पेपर, इम्तिहानी पर्चों पर। मीन्स वो पेपर चेक कर रहा था उसका टीचर। सर आई डिडंट चीट इन द एग्जाम। जनाब मैंने चीटिंग नहीं की, इम्तिहान में मैंने नकल नहीं की। सेट वाई चेयर, वाई चाय ने कहा। दैट नोट वॉज रिटन, वो नोट लिखा गया था विद अ पेन, एक पेन के साथ। एंड आई ऑलवेज यूज अ पेंसिल, और मैं हमेशा एक पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ। इनफैक्ट दर हकीकत आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन है भी नहीं। इफ यू लुक एट द हैंड राइटिंग, अगर आप लिखाई की तरफ देखें, इन द नोट, नोट में सर, यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि इट्स नॉट माई हैंड राइटिंग, कि ये मेरी लिखाई नहीं है। इन एनी केस, किसी और सूरत में, आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन 11, मैं पहले ही क्वेश्चन सवाल नंबर 11 का जवाब दे चुका था। द टीचर चेक्ड, टीचर ने जायजा लिया, चेक किया वाई चॉइस आंसर पेपर, वाई चॉइस का पेपर एंड द नोट, और वो नोट। ही सेड, उसने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है वाई चॉइस, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हुई है, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज ब्राय मेहरबानी मुझे माफ कर दो। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ एंड कंप्लीट द एग्जाम, और अपना इम्तिहान मुकम्मल करो, अपना पेपर कंप्लीट करो। वाई, हु डू यू थिंक गॉट द हाइएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम, किसने एग्जाम, आपके ख्याल में किसने एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल किए, सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। वाई चाय, ऑफकोर्स बिलाशुबा वाई चाय ने, ऑन स्कूल डे, अब स्कूल का जब सालाना दिन था तब क्या हुआ। व्हेन वाई चाय वॉक्ड अप, जब वाई चाय ऊपर चढ़ता है टू रिसीव, वसूल करने के लिए इस प्राइज, अपना इनाम, फ्रॉम डॉक्टर अब्राहम, डॉक्टर अब्राहम से। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान होता है। डॉक्टर अब्राहम वॉज द ओल्ड मैन, डॉक्टर अब्राहम वही बूढ़ा आदमी था। ही हैड नॉक्ड इन विद हिज बाईसाइकिल, जिसको इसने अपनी बाईसाइकिल की टक्कर से नीचे गिराया था। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, केस हालत, इनफैक्ट दर हकीकत, कंप्लीट मुकम्मल करना, मिस्टेक गलती, रिसीव लेना या वसूल करना, सरप्राइज हैरान हूँ, फॉरगिव माफ करना, कोर्स यकीन। क्वेश्चन नंबर टुडे, कल इंशाल्लाह मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।